वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की रेसिपी है हेल्दी होममेड म्यूसली की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे जैगरी सिरप। एक पैन में लेंगे आधा कप पानी, गरम होने दें इसको। उसमें डालें आधा कप गुड़। गुड़ को मेल्ट होने दें मीडियम फ्लेम पे और ध्यान रखें बीच बीच में चलाते रहें। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो फिर इसको तब तक पकाएं जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर बहुत थिक कर देंगे सिरप पकाते टाइम तो ये जब ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो ये रेडी है एकदम। इसको अब ठंडा होने देते हैं। एक पैन या कढ़ाई लें और उसमें डालें 1/4 कप कटे हुए काजू, 1/4 कप कटे हुए बादाम, 1/4 कप चॉप किए हुए अखरोट की गिरी, 2 से 3 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स। अब सबको लो फ्लेम पे भून लें जब तक ये क्रंची ना हो जाए और इनमें से हल्की हल्की खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखें इनको चलाते हुए रोस्ट करना है। जब ये भून जाए तो एक बोल में निकाल लें और उसी पैन में डालेंगे 2 कप ओट्स। अब इनको भी लो फ्लेम पे भून लें जब तक इनमें से हल्की हल्की खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखिए इनको चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। इनका कलर नहीं चेंज करना है हमें। जब ये भून जाए तो इनको गैस से उतार लें। अब भुने हुए नट्स में मिलाएं 2 टेबलस्पून अलसी के बीज, 2 टेबलस्पून काली किशमिश, 2 टेबलस्पून नॉर्मल किशमिश, 2 टेबलस्पून कटे हुए खजूर। सबको अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें खजूर सूखे वाले होने चाहिए। अब इसमें रोस्ट किए हुए ओट्स डालेंगे। आप इस रेसिपी में अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें से कोई भी नट्स स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करें और डालें 2 टेबलस्पून अंजीर कटे हुए। अब इनको भी मिला लें अच्छे से। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जैगरी सिरप डालें जो हमने बनाया था। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छे से मिक्स करें ताकि सिरप अच्छे से ओट्स और नट्स पे कोट हो जाए। हाथों की हेल्प से ये अच्छे से मिक्स होगा। जब सब मिक्स हो जाए तब इसको प्लेट में या ट्रे में अच्छे से फैला दें और इसको ठंडा होने दें और सूखने दें। गुड़ का सिरप स्टिकी होता है तो उसकी वजह से ओट्स और नट्स आपस में ज़्यादा बाइंड हो जाते हैं, तो इनको हाथों की हेल्प से अलग कर दें, लेकिन तब जब ये ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो गया है एकदम। इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और विदाउट प्रिजर्वेटिव इसकी शेल्फ लाइफ 1 से 2 महीने होती है। तो अब बस एक काम करना है, क्या? इसको टेस्ट करना है। तो जल्दी से बनाएं इसको और ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज के लिए स्क्रीन पे दी हुई किसी भी वीडियो पे क्लिक करें। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you in the next video. Till then, take care and enjoy the recipe. And don't forget to subscribe. Bye-bye.